सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मैं स्ट्रग ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे हो सारे के सारे? आई होप सारे ठीक ही होंगे। सो गाइस, तुम लोग जानते हो तुम्हारा भाई थोड़ी सी गाली गलौज कम कर रहा है, क्योंकि पता नहीं खूब सारे लोग बोल रहे हैं। वैसे लोगों के बोलने से तुम्हारे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यूट्यूब बोल रहा है, यूट्यूब के बोलने से तुम्हारे भाई को बहुत फर्क पड़ता है। यूट्यूब बोल रहा है कि भाई लैंग्वेज को ठीक करो, जल्दी तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, या फिर मोनेटाइज में ना दिक्कत हो सकती है, बोला आज से ही बंद कर दो। तो तुम्हारे भाई ने बंद कर दिया, बट यूट्यूब ने ये भी बोला थोड़ी बहुत दे सकते हो, समझ रहे हो। तो डियर गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अपन यहाँ पे रात को गए थे लखनऊ घूमने के लिए, लखनऊ में जू घूमे, उसके बाद में ना सर्कस देखे, उसके बाद में बहुत सारा चीज घूमे। अभी निकल रहा है लोडिंग के लिए, और देखो अपना लोडिंग क्या होने वाला है। यहाँ से 37-38 किलोमीटर दूर जाना है लोडिंग के लिए। तो डियर गाइस, ब्लॉग में मतलब ब्लॉग को देखते रहो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तुम्हारा भाई को लोड मिला है कि नहीं कंफर्म नहीं है, पर जा रहा है, ट्राई कर रहा है लोडिंग मिल जाए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो डियर गाइस, चलते चल के मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे लोडिंग। सो गाइस, अभी लखनऊ नेशनल हाईवे पर चढ़ चुके हैं, बाकी चेक करो हमारा लखनऊ गाइस। ये देखो, ये सारे लखनऊ सिटी रहे, ये लखनऊ सिटी से अपन बाहर आ चुके हैं, और ये सारी सोसाइटियाँ उठी जा रही। भाई सिटी इतना तगड़ा है ना लखनऊ सिटी के अंदर, ये तो सिटी से बाहर आ गए, सिटी के अंदर रहते थे ना भाई, तो ना भाई मतलब ऐसा लगता था ना विदेश विदेश में आ गए, इंडिया तो कहीं से भी नहीं लग रहा था अंदर से। मतलब तुम्हारा भाई कहाँ छोड़ के घूमा भी कहाँ है, छोटे छोटे शहर तो घूमे हैं, बड़े बड़े शहर तुम्हारा भाई घूमा ही नहीं। तो गाइस काफ़ी तगड़ा ही मतलब लखनऊ का, समझ लो, और लखनऊ ही नहीं, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये सब सारे चीज़ एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें, समझ रहे हो ना। तो डियर गाइस, अभी पीछे में ना पुलिस वाला रुका, तो मेट्रो वेट्रो है जिसमें कल अपन घूमने भी गए थे। ये देखो, ये दोनों साइड वाली मेट्रो है, समझ रहे हो ना, मतलब ये वाली मेट्रो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये वाली मेट्रो है, समझ रहे हो। ये लखनऊ में अपना मेट्रो जो है रोड के ऊपर ऊपर चलता, बाकी देखो लखनऊ सिटी कितना तगड़ा है गाइस। ये देखो, इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें, और रोड भी काफ़ी तगड़ा, मतलब योगी जी ने विकास तो किया है भाई, बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो हम लोग जा रहे हैं लोडिंग करने के लिए, हम लोग को लोडिंग मिल चुका है, देखते हैं लोडिंग करके कब तक होता है अपना लोडिंग। बाकी ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को देखते रहो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने। सो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है लोडिंग के लिए, अभी समझ रहे हो ना, लोड करने माल। मैं गाली देना नहीं चाहता अपने ब्लॉग में, पढ़ना मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे हरकत होते हैं जो मुँह से निकल जाते हैं, पर तुम्हारा भाई देगा नहीं, कंट्रोल करेगा, आप समझ रहे हो ना। तो गाइस, तुम्हारा भाई एकदम हीरो टाइप का जो दिखता है, समझ रहे हो ना, एकदम वो आया है। कचरा लोड करने गाइस, ये देखो, ये कचरा लोड करने, जो लोग कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं ना, वो वाली लोड करने आए हैं सामने में, देखो ला ला ला। सो गाइस, ये देखो अंकित मेरे को पानी दिखा रहा, सामने से पानी कांटा वाला से मंग के पी रहा है। देखो कचरा लोड करने आए हैं, जो लोग फेंक देते हैं ना गाइस, अक्सर ऐसा नहीं होता है कि घर में खाना बनाए, पन्नी वगैरह, कचरा, सब्जी का छिलका, या पूरा फटे पुराने कपड़े, खिलौने, मतलब बिना यूज वाली सामान जो कि एकदम खत्म हो चुकी है, वो सब चीज़ें नहीं, जैसे कचरा कूड़ा रहता हो, कचरा कूड़ा लोड करने आए हैं अपन, समझ रहो। बहन का लौड़ा जिंदगी कचरा कूड़ा हो गया, बहन कर जिंदगी कचरा कूड़ा हो गया है गाइस। तुम्हारा भाई आजकल कचरा लोड कर रहा है, बाकी देखो इधर इतना धूल उड़ रहा है ना भाई, इतना धूल उड़ रहा है ना, सामने देखो कचरा की पूरी पहाड़ लगी हुई है, ये देखो, देख रहे हो ना, तुम्हारे भाई का पूरा हालत खराब है, महक ऐसा रहा है ना गाइस, एकदम नाक फट जाएगा लग रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, फेमस होते तक कचरा भी भर लेते हैं। अबे बोलना क्या होता है भाई, ये कचरे का क्या होता है भाई, बता दो। लेकिन बहुत सारा सामान बनता है, जैसे कि अब इसको ले जाएगा सीमेंट फैक्ट्री में, तो इसको जला के सीमेंट बना सकते हैं। बिजली फैक्ट्री में ले जाएगा तो इसको जला के बिजली बना सकते हैं, बिजली बनते है। और खाद फैक्ट्री में ले जाएगा तो इसको खाद भी बना सकते हैं। अभी बहन का लौड़ा, ये तो अपने से ज्यादा लौड़ा सक्सेस है भाई, चारों साइड इसका लाइफ सेट है, समझ रहे हो। तो गाइस देख रहे हो, एक कचरा लौड़ा अपने से ज्यादा बढ़िया जिंदगी जी रहा है, ये जो शहर का कचरा है देख रहे हो ना, मतलब कितने काम आ रहा है। सीमेंट कंपनी लेके जाओगे, सीमेंट इसको जला के सीमेंट में मिक्स करके सीमेंट बनता है, बिजली में आले में लेके जाओगे तो इसको जला के बिजली बनता है, और खाद इसको किसान लोग लेके जाएंगे खाद वाले में तो इसको सड़ा सड़ा के खाद बनता है। तो गाइस देख रहे हो ना, इसकी जिंदगी अपने से बढ़िया, और ये अपने से ज्यादा सक्सेस है, समझ रहे हो। बहन का लावड़ा, कचरे का इतना साला प्लास्टिक और मन बोला है गाली नहीं दो। अरे सॉरी भाई, सॉरी, एक गाली तो हो ही जाएगा भाई, सॉरी।
So guys, ये देखो ये कचरा का लाइफ भाई मैं अपने लाइफ से बढ़िया है भाई, क्या ही बोलोगे भाई। ये कचरा से इतना भी काम हो सकता है मेरे को पहली बार पता चला, जो कि सही है भाई, हो भी सकता है ये कचरा ना भाई। लेकिन एक चीज है, हजारों साल रह जाए तो भी नहीं सड़ता है। तो पोलोथीन है ना, गेट बंद कर पे महक रहा है लौड़ा। तो गाइस गाड़ी में लोड करते हैं, देखते हैं क्या सीन है कैसा है, उसके बाद मिलते हैं। पुलकित भैया कुछ बोलोगे? भैया नहीं बोलेंगे, भैया बोलेंगे इधर आ, इधर दिखा भैया, कचरा लोड करवा के जिंदगी कचरा कर दिया है गाइस, समझ रहे हो ना। देखो शरीर देखो, देख रहे हो पूरा पूरा गंदा गंदा हो गया। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले तुम्हारा भाई हीरो दिख रहा था, अब भी कचरा दिखने लगा। देख रहे हो इधर, चेक करो गाइस, इधर पूरा कचरे का पहाड़ है, देख रहे हो ना ये पूरा भाई, इधर दिख रहा है भाई। अबे ये कैमरामैन की झांट उधर है कि वो कैमरा कचरा, तू वो रेडी के कैमरा। सो गाइस देख रहे हो ये पूरा कचरा का पहाड़ है, समझ रहे हो ना, यहाँ से कचरा जा रहा है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई कचरा का होता क्या है। भाई कचरा बहुत ज्यादा कीमती है, समझ रहे हो ना। हम लोग भी जब तक नहीं जानते थे तब तक हंस रहे थे सबके ऊपर कि भाई कचरा लोड करने आया, कचरा लोड करने आया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो ना। ये कचरा का सिस्टम अलग है, ये कचरा को ना तीन डिपार्टमेंट में जाता है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट? एक सीमेंट वाला लेते हैं इसको, और दूसरे ना बिजली वाले लेते हैं, तीसरे खाद वाले लेते हैं, समझ रहे हो। इसको ना जला के सीमेंट में पूरा मिक्स होता है, पूरा जो भी है इसको जला के इसका जो भी वेस्ट बचता है ना वो सीमेंट के अंदर मिक्स होता है, उसके बाद सीमेंट बनता है। और बिजली वाले इसको इसलिए लेते हैं कि बिजली वाले पूरा खरीदते हैं और स्टॉक को पूरा जमा करते हैं, समझ रहे हो ना, और उसमें पूरा आग लगा देते हैं और जला के इससे ना बिजली को पैदा करते हैं, समझ रहे हो। और खाद वाले इसलिए लेते हैं कि खाद वाले का तो सबको पता होगा कि भाई खाद क्या होता है, कचरे से खाद बनता है। खाद वाले लेते हैं, इसको बारी करते हैं, जो कि खाद वाला भी मशीन इधर सेटअप साइड में बैठ रखा है, इसको पूरा बारी करते हैं। यहाँ से नहीं दिखेगा बट पास चल के अगर जाएंगे तो दिखा देंगे। खाद वाला क्या करते हैं, इसको खाद वाले लेके ना इसको कटिंग करते हैं पूरे मशीन में, और इसको सड़ाते हैं पूरा, बहुत टाइम तक गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ना उसको निकाल के और खाद बना के बेचते हैं, वो ऑटोमेटिक वो खाद बन जाता है, समझ रहे हो। उसको जब सड़ा के गला के कटिंग वटिंग करके एक गड्ढे में रख देते हैं तो 6 महीना साल भर बाद वो ऑटोमेटिक ना खाद बन जाता है। सो डियर गाइस बहुत ज़्यादा महक रहा है, समझ रहे हो ना, बहुत गंदा महक रहा है। मतलब तो अभी तो महक के ऐसा हो गया कि महक ही नहीं रहा है, दूसरे कोई बिल्कुल 5 मिनट यहाँ पे खड़ी नहीं हो पा रहे। सो गाइस तुम लोग सोच रहे हो कचरा बांध रहा है, कचरा बांध रहा है, बट तुमको पता है इस कचरे का कीमत तुम मत जानो। तुम सबसे पहले इसकी किराया जान लो, यहाँ से मात्र 350 किलोमीटर लेके जाना और किराया 60,000 है। तो कचरे का कीमत सोचो, और कचरे से उछला कितना जाएगा तुम्हारे घर से, फेंके वाले चीज़ से दुनिया करोड़ों कमा रही है। तो अपने अपने घर में कचरा बनाओ और 20 टन 50 टन जमा करो और बेचो, तुम भी पैसा कमाओ, बिजनेस करो, थ्री बिजनेस आइडिया गाइस। और जिसको कचरा ज़्यादा जमा नहीं कर पा रहा है, हमारे जगदलपुर वाले भाई हैं, तो हमारे जगदलपुर में 2 बहुत बड़ा कचरा अड्डा है, वहाँ चले जाओ, या फिर हर शहर का कचरा अड्डा आता है, जाओ गाइस हक मारो अपने कचरे पे और पैसा कमाओ। सो है गाइस, हम लोग ना फाइनली अपनी गाड़ी वाड़ी लोड करके आ चुके हैं। एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेट हो गई अपनी गाड़ी में। क्या हुआ ना कि ना अपनी गाड़ी में ना रस्सा तिरपाल बांधने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। जो माल भरे हैं ना उसमें रस्सा तिरपाल काफ़ी टफ है बांधना, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो ना कचरा है पूरा, जब रस्सा तिरपाल बांध रहे थे तो ना मुंह पे गिर रहा था, तो ना बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गया। फिर ना हम लोग गलत रोड में घुस गए थे, फिर अंकित लोग लोकेशन भेजे तो हम लोग इन लोग के रोड में आए, पूरा भीड़ भाड़ पार करके अभी जस्ट पहुँचे रेस्टोरेंट। देखो इन लोग पहले खाना खाने इंतजार करते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो भाई तुम्हारे बिना स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये पहले ही पहले स्टार्ट हो। क्या भाई रवि, भाई तू सुबह से नहीं खाया है, मैं कल भी खाना नहीं खाया था, तेरे को याद है? कल भी मैं नहीं खाया था, पूरा कल दिन नाश्ता में बिताया हूँ, आज पूरा दिन नाश्ता में बिताया हूँ। सोड़िए भाई सभी ना इन लोग ना खा लिए, कोई बात नहीं, अपना ऑर्डर कर देते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अबे तू पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ो लिखो गाय भाई उसको बोल रहा हूँ, भाई देख मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ, वो पढ़े लिखे लोगों का चीज़ है। चल मेरी सो गाइस अपने को ना ये मेनू वगैरह तो समझ नहीं आया, तो हम लोगों ना 2 फुल चिकन बिरयानी कर दिया। अपने को तो वैसे सुबह से मटन बिरयानी खाने का मतलब प्लानिंग में था, बट कोई नहीं चिकन बिरयानी खा लेते हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ये क्या ना मटन बिरयानी बहुत कम जगह मिलता है, समझ रहे हो ना, हर जगह नहीं मिलता, मतलब कि 20-30% जगहों में मिलता है। तो कोई बात नहीं, इन लोग को अपना खाना वाना कंप्लीट कर लिया, भाई रुकोगे बैठोगे ना हम लोग खाते तक, तो ठीक है अपना ऑर्डर दे दिया चिकन बिरयानी का, 2 चिकन बिरयानी, अभी 2 चिकन बिरयानी आ रहा है, फिर स्टार्ट करते हैं आज अच्छे से फिर खाने के। सो गाइस तुम्हारे भाई का बिरयानी आ चुका, मतलब थोड़े ही देर में आ गया, 5 मिनट में, मेरे को लग रहा था आधा घंटा वगैरह लगेगा, लेकिन काफ़ी फास्ट बना के लिया। तो गाइस तुम्हारे भाई का बिरयानी खाएगा तो हाफ आधा लेके खा ली, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। फोन आ रहा है तेरे, फोन में उठा ना भाई, ज्वाइन चल बोल भाई, जय हिंद ग्रेवी वगैरह ला दीजिए। अरे वीडियो में करो, वीडियो में करो भाई,
सो गाइस देखो ये मेरे ग्रुप के लौंडे लोग कर रहे हैं, जो भी मेरे टीम के लड़के लोग हैं सारे मेरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं, चेक आउट गाइस। अभी देखो वो चीज़ छोड़ो, ये अपनी बिरयानी आ चुकी है, काफ़ी तगड़ी खुशबू है गाइस, ऐसे मस्त लग रहा है ना, खुशबू अच्छी आ रही है ना बिरयानी से ना। वीडियो कॉल करो गाइस, खा के चेक करते हो, वैसे खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, समझ लो ना भाई साहब, एकदम हैदराबाद वाली खुशबू है। भाई A1 एक नंबर बिरयानी बना भाई, एक नंबर बिरयानी बना। तो गाइस नहीं 20 रुपया दाई पटाखा खोरी फिर ये लदीन, ये लदीन मेरा लड़का है, इसकी गांड धोने में पानी नहीं है। दुर्गेश भाई माँ कसम, हमको जोर से लेटरिन लगा था चर 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 करके, हमने कुर्ता और तब फेंक के तो गाइस देख रहे हो ना, खाने के साथ में ना यार वीडियो कॉल भी चल रहा है, सारे के सारे भाई लोग वीडियो कॉल में एक साथ जुड़ गए हैं, समझ रहे हो, तेरे को ही ना समझ आए, दुनिया को क्या जाने समझ आए। तो ऐसा करो ना, पकड़ के नाच लो।